नमस्कार। आज के दो बड़े कॉल आज के दो कॉल की अगर बात करें तो पहली कमोडिटी गोल्ड रहेगी। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है गोल्ड में अच्छी खासी तेजी थी, 34,000 का भी लेवल हमने ये हफ्ते में टच करते हुए देखा था। बट जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि मार्केट में गिरावट का रुख देखने मिल सकता है, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में फिर से तेजी का रुख बन रहा है। कल के सेशन में हमने गोल्ड में भारी गिरावट आती हुई देखी, अभी भी हमें लगता है आज शुक्रवार है, प्रॉफिट बुकिंग हावी रहेगी क्योंकि इंटरनेशनल में $1,340 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो तोड़ चुका है। हमें लगता है नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो $1,315 का रहेगा। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट पे की बात करें तो आज रुपए में हमने एक ठहराव जरूर आते हुए देखा है। डोमेस्टिक मार्केट पे गोल्ड में हमें लगता है कि आज भी गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा। 33,400 से 450 की रेंज में गोल्ड को बेच के चलिए, 33,580 का स्टॉप लॉस रहेगा। एज ऑफ नाउ जो टारगेट दिखाई देता है वो 33,100 का रहेगा। वहीं दूसरी कॉल जो रहेगी वो एग्री के अंदर कैस्टर रहेगी। पिछले कुछ दिनों में हमने कैस्टर के प्राइसेस में अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी है, बट पिछले दो सेशन में हमने कैस्टर के भाव में फिर से एक अच्छा उछाल आते हुए देखा है। आज के लिए हमें लगता है कैस्टर 5300 के नीचे अगर मिलता है 5270-80 की रेंज में लेके चलिए, 5250 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में हमें लगता है करीबन 5380 तक का लेवल कैस्टर में देखने मिल जाएगा। धन्यवाद।